आलमी योम सेहत और वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के मौके पर इंसानी सेहत से मुतालिक प्रोग्राम मुनाक़िद हुआ। नांदेड़ के कुसुम सभागृह हाल में मुनाक़िदा प्रोग्राम में माहिरीन ने अपने तजुर्बात बांटते हुए सेहतमंद जिंदगी के चंद अहम उसूलों पर रोशनी डाली। रोजाना क्या खाना पीना चाहिए, जिस्म का मुनासिब वजन कितना हो, बीमारियों के खिलाफ एहतियाती तदाबीर किस तरह से करनी चाहिए, ऐसे तमाम मौजूद पर खुलकर चर्चा की गई। जिंदगी में आने वाली आम बीमारियों जैसे शुगर, मोटापा और डायलिसिस पर होम्योपैथिक इलाज किस तरह असर करता है, डॉक्टर संतोष जटाले ने रोशनी डाली। डॉक्टर संतोष जटाले ने बच्चों और वालदेन के दरमियान होने वाली बातचीत, तनाव और गुस्से को कंट्रोल करने के बारे में भी रहनुमाई की। प्रोग्राम में मेहमाना ने खसूसी के तौर पर नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर, डॉक्टर शीतल भालके, डॉक्टर संजय पाटिल, डॉक्टर अशोक बोनगलवार, सचिन अनमवार, डॉक्टर समीर कोटलवार, डॉक्टर कादरी और डॉक्टर दीपक देशमुख के अलावा दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के अख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसमें होम्योपैथिक तर्ज इलाज पर रोशनी डाली गई। जागतिक आरोग्य दिन और जागतिक होम्योपैथिक दिन, इनको साथ मिला के हमने आरोग्य और बोलू का ये कार्यक्रम कुसुम सभागृह VIP रोड यहाँ पे रखे थे, शाम 7 तारीख 5:30 से 9 बजे तक। उसके अंदर जो कार्यक्रम के उद्घाटक थे डॉक्टर विपिन इटनकर सर, वैसे जो कार्यक्रम को जो वक्ता थे डॉक्टर संतोष मालपानी सर, इन्होंने डायबिटीज किस तरह से खाना चाहिए, वजन कितना रखना चाहिए इसके बारे में बताया। डॉक्टर वड़जकर सर है, छोटे बच्चे के डॉक्टर थे, छोटे बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी डिसीज सर्दी खांसी है इसके बारे में उन्होंने बताया। मैं खुद डॉक्टर संतोष जटाले, होम्योपैथी और बीमारी इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथी किस किस बीमारी है जैसे मोटापा है, शुगर है, डायबिटीज है, इसके उसके उसके मानसिक लक्षण क्या होते हैं, पूरे के बारे में हमने बताया। इस कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि डॉक्टर अशोक बोंगलवार, श्री सचिन अन्नमवार, डॉक्टर समीर कोटलवार और डॉक्टर कादरी सर, यह प्रमुख उपस्थिति थी। उनका भी उन्होंने भी मार्गदर्शन किए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि लोगों के पास जो अभी कोविड आने के बाद जो हमने देखा है कि हमारा हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी हिसाब से हमने यह हर साल रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद पत्रकार परिषद के अंदर हमने सब चीज़ बताया है कि किस तरह से हम लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं कि बीमारी किस तरह, क्योंकि आप देखेंगे कि शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको दवा तो हम देंगे, उसके साथ उसके बारे में उसके जो तज्ञ रहते हैं उनके हिसाब से हम माहिती लेंगे। यह हमारे आरोग्य रक्षक बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था का उद्दिष्ट है, यही हम काम कर रहे हैं। और आगे चल के आप जैसे लोगों को हर साल यह कार्यक्रम हम रखना चाह रहे हैं कि आप, जैसे कि आज बहुत प्रतिशत अच्छा मिला है हमको। इस व्याख्यान में मेरा जो विषय था, बच्चों के अंदर जो मानसिक स्थिति बदल रही है और बच्चों और उनके पिताजी के अंदर मानसिक स्थिति, जैसे कि एक बच्चा है और उसके पिताजी है, दोनों का नहीं पढ़ता है तो दोनों के अंदर मानसिक स्थिति बदल जाती है, दोनों भी गुस्से वाले हो जाते हैं। अब उसको गुस्से को कैसा कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये इसके बारे में हमने स्पीच दिया है। और आज आगे चल के यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि एक बच्चा घर का बीमार है, वो चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट उनके पेरेंट के ऊपर गिरता है और वो पेरेंट भी चिड़चिड़ करना चालू कर देते हैं। तो हमें ये कॉज देखना पड़ेगा, ये कारण, ये क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है लोगों, क्यों घर के अंदर धिंगाना कर रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इसका कारण क्या, जो तवील और अंडरस्टैंडिंग हमने कल आज के स्पीच में बताया, और हम उसको कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, इसका बारे में हमने आज लोगों को अवेयर किया कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों को हम नॉर्मल स्थिति में लेके आ सकते हैं, घर बड़े को लोग भी हम नॉर्मल स्थिति में लेके आ सकते हैं। इसके लिए आपको सही तरीके की जानकारी चाहिए और सही तरीके का अवेयरनेस चाहिए, यही हमारे प्रोग्राम का एक उद्देश्य था कि लोगों के अंदर मानसिक स्थिति जो बदल जा रही है डे बाय डे। बहुत लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और घर में चिड़चिड़ बात नहीं कर रहे, खुल के बात नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, इसी उद्देश्य ये था कि यही अवेयरनेस आपके पास पहुंचा सके। आगे चल के भी ऐसा प्रयास मिलेगा, यह हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।